गुड मॉर्निंग एम कॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल रिसर्च की क्लास में आपका स्वागत है। आज ऑपरेशनल रिसर्च का असाइनमेंट प्रॉब्लम असाइनमेंट चैप्टर में थर्ड लेक्चर है। आज हम इसमें और कुछ एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें चार जॉब हैं, और चार ही एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, आपने चार जॉब हैं, जॉब 1, 2, 3, 4, चार एम्प्लॉई हैं, वह ए बी सी डी। अब आपको यहाँ पर रो वाइज, जैसा पहले समझाया गया था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, यहाँ पर 11 है पहली रो में, सेकंड रो में 13 है, थर्ड रो सी में 15 है, और फोर्थ रो डी में 10 है। इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सभी एलिमेंट से, रेस्पेक्टिव रो की सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखिए, हमने 18 माइनस 11 किया, 7 आ गया, 26 माइनस 11, 15 आया, 17 माइनस 11, 6 आया, 11 माइनस 11, 0 आया, 13 माइनस 13, 0 आया, 28 माइनस 13, 15 आया, 14 माइनस 13, 1 आया, 26 माइनस 13, 13 आया, 38 माइनस 15, 23 आया, 19 माइनस 15, 4, 18 माइनस 15, 3, 15 माइनस 15, 0। फोर्थ रो डी में 19 माइनस 10, 9 आएगा, 26 माइनस 10, 16 आएगा, 24 माइनस 10, 14 आएगा, और 10 माइनस 10, 0 आएगा। इस तरह से हमने टेबल 2 बना ली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव रो। संबंधित रो से प्रत्येक एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस संबंधित रो का घटाने के बाद आया। टेबल 2 बन गया हमारा। अब हम टेबल 3 पे जाते हैं, जहां हम कॉलम वाइज इस एक्शन को करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कॉलम वाइज सिलेक्शन करना। तो हमने जॉब 1 वाले कॉलम में 7, 0, 23, 9 में स्मॉलेस्ट आइटम 0 है। जॉब 2 के कॉलम में 15, 15, 4, 16 में स्मॉलेस्ट 4 है। जॉब 3 में 6, 1, 3, 14 में स्मॉलेस्ट 1 है। जॉब 4 में 0, 13, 0, 0 में 0 है। तो इस तरह से हमने स्मॉलेस्ट आइटम सेलेक्ट कर लिए कॉलम वाइज। अब हम टेबल 4 बनाएंगे। इन सभी एलिमेंट्स को, मैंने कल भी बताया था, जहाँ जीरो है उन रोज को एज इट इज कॉपी किया जा सकता है, कॉलम्स को सॉरी। ये देखिए, हमने कॉलम को एज इट इज ले लिया, 0, 13, 9, 0, 0, 0, 13, 0, 0। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि 15 माइनस 4, 11, 15 माइनस 4, अगेन 11, 4 माइनस 4, 0, 16 माइनस 4, 12, 6 माइनस 1, 5, 1 माइनus 1, 0, 3 माइनस 1, 2, एंड 14 माइनस 1, 13। इस तरह से हमने टेबल 4 डेवलप कर लिया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कॉलम। अब हम टेबल नंबर 5 पर वी आर गोइंग टू ट्राई टू अलॉट द वर्क। यहाँ हमने देखा एज इट इज, देखिए हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर टेबल नंबर 4 को।
अगली टेबल में अलॉटमेंट दिखाना चाहिए हमें। यहाँ पर आया रो वाइज देखते हैं, सबसे पहला काम ही है रो वाइज चेक करना। तो रो वाइज हमने देखा कि रो ए में एक ही जीरो है, यहाँ वर्क अलॉट कर दिया। लेकिन जैसे हमने यहाँ वर्क अलॉट किया तो हमें ये बात समझ में आती है कि हमें इस कॉलम के अंदर, जॉब नंबर फोर के कॉलम के अंदर जो दो जीरो हैं उनको वर्क क्रॉस कर देना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट रो में आना है, बी में। यहाँ पर वर्क अलॉट कर दिया गया जॉब वन में। अब आप पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ जॉब थ्री में क्यों नहीं अलॉट किया। सॉरी, ये यहाँ अलॉट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो जीरो आ गए हैं, इसलिए यहाँ अलॉट नहीं होगा। सबसे पहले सी में जाएंगे और यहाँ पर जॉब टू को अलॉट करेंगे। इज इट क्लियर? और इसके बाद हमारे पास डी में कोई और जीरो नहीं है, बी में दो जीरो हैं। अब आप कह सकते हैं कि बी में हम इसको भी कर सकते थे, जॉब वन को भी अलॉट कर सकते थे बी को, या जॉब थ्री भी कर सकते थे। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में रैंडमली हमने जॉब वन ले लिया है, आप जॉब थ्री भी ले सकते थे। और जॉब लेने वन लेने से ये जो वर्क है जो दूसरे वाला ये क्रॉस हो जाएगा। अब हमारे पास एक सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टेबल फाइव में कि हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स थी, 4 जॉब्स हैं, 4 ही एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वर्क 3 को अलॉट हुआ है। डी, मिस्टर डी जो है उनको कोई जॉब अलॉट नहीं हुआ और जॉब नंबर 3 किसी को अलॉट नहीं हुआ, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ, हमें इस तरीके से इनको अलॉट करना था जिससे सभी को अलॉट हो जाए। तो टेबल 6 का वर्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझिए। बेटा यहाँ पर हमें करना क्या है, हम टेबल 5 को एज इट इज कॉपी करेंगे दोबारा से टेबल 6 में। उसी टेबल में नहीं करना चाहिए काम क्योंकि हमें शो करना होता है एग्जाम में। तो हम टेबल 6 में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उस रो को आइडेंटिफाई करेंगे जिस रो में कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ। आप देखिए डी रो को कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर डी वाली रो को सेलेक्ट कर लिया। टेबल 5 में मैं आप मार्क करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखिए डी रो को टेबल 6 में, देखिए मैंने एक एरो बना दिया, ये मैंने एक एरो बना दिया है और उस एरो से शो कर रहा हूं मैं। ये देखिए एक एरो सा दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे एरो को, उस रो में मार्क करेंगे जिस रो में कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ है, कोई वर्क असाइन नहीं किया गया है। अब उस रो में उस कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे जहां वर्क अलॉट नहीं हुआ था। अब बेटा इस रो में हम उस कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे जहां वर्क अलॉट नहीं हुआ, तो वर्क यहां नहीं अलॉट हुआ था, ये देखिए। तो हमने ये कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहां भी हमने ये इस तरीके से मार्क लगा दिया। अब मैं रिपीट कर देता हूं, हमने सबसे पहला स्टेप टेबल 6 में किया, उस रो को सेलेक्ट कर लिया जिस रो में कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद उस रो में उस कॉलम को सेलेक्ट करना है जहां कोई वर्क ही नहीं हुआ, अलॉट हुआ था, असाइन हुआ था। दो स्टेप समझ में आ गए। इसके बाद उस कॉलम में, जो इसे बोलते हैं मार्क्ड कॉलम, जो हमने ये एरो लगा दिया है जहां पे हमने टिक लगा दिया है, उसे बोलते हैं मार्क्ड रो या मार्क कॉलम। तो हमारी मार्क रो तो है डी और मार्क कॉलम है हमारा जॉब 4। इस मार्क
कॉलम में उस रो को आइडेंटिफाई करेंगे जहां वर्क अलॉट हो चुका है। इस कॉलम में ये जो कॉलम दिख रहा है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो वर्क है अलॉट हुआ था रो वन को, रो वन ए को ये वर्क अलॉट हुआ था, तो हमने यहां पर मार्क लगा लिया अलॉटमेंट का। इज इट क्लियर? अब ध्यान से दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप क्या था, हमें उस रो को आइडेंटिफाई करना है जहां कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ, वो रो थी ये वाली। इसके बाद हमें उस रो में उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना है जहां वर्क अलॉट नहीं हुआ था, वर्क यहां नहीं अलॉट हुआ था तो ये कॉलम हो गया। उसके बाद उस कॉलम में उस रो को आइडेंटिफाई करना है जहां वर्क अलॉट हुआ था, इस ए रो में यहां वर्क अलॉट हुआ था, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। लाइन खींचने का सबसे बढ़िया तरीका ये। इसके बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है, बहुत आसान सा है। अनमार्क रो को सेलेक्ट करिए, उनमें लाइन खींचेगी। ये अनमार्क रो है, ये अनमार्क रो है। अब हम उस, मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को दोबारा से, आपको समझ में आना चाहिए। ये अनमार्क रो है और ये अनमार्क रो है, इसलिए मैंने यह लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद मार्क कॉलम को आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए मार्क कॉलम हो गया, इससे से तीन लाइन ड्रॉ हुई। क्लियर? अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि यहां लाइंस की चेक करना है कि लाइन होनी चाहिए थी ये 4x4 का है, मिनिमम लाइन चार चाहिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चार है और लाइन यहां कितनी आई 3। इसका मतलब ये ऑप्टिमलिटी तो नहीं है। अब हम इसमें आगे स्टेप में बढ़ेंगे और वो स्टेप क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या था, टेबल 6 में हमें उस रो को आइडेंटिफाई करना है जहां पर कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद उस रो में उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना है जहां कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ। थर्ड स्टेप में टेबल 6 में ही उस कॉलम में उस रो को आइडेंटिफाई करना है जहां वर्क अलॉट हुआ, मार्टिक लगा। इसके बाद अनमार्क रो में लाइन ड्रॉ करनी है और मार्क्ड कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो बचे हुए अनमार्क्ड आइटम रह गए, इसके बाद हमें अनकवर्ड एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं अनकवर्ड, एक ये है ये जो सामने दिखा रहा हूँ, ये अनकवर्ड एलिमेंट है। इन अनकवर्ड एलिमेंट में स्मॉलेस्ट आइटम क्या है, 5। इस फाइव को जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ये स्मॉलेस्ट आइटम आ गया, ये अनकवर्ड है। इस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 7-5, 11-5, 5-5, बाकी सब ए सेम रहेंगे, 9-5, 12-5, 13-5, मींस स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 को अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जो जंक्शंस हैं, देखिए जंक्शंस में अलग से दिखाता हूं, जंक्शंस कौन से स्टार से दिखाता हूं, देखिए जंक्शंस हैं, एक जंक्शन ये रहा, और एक जंक्शन ये रहा। इन जंक्शंस पर 5 ऐड करना है, 13+5 और 0+5। इज इट क्लियर? अब हम आपको टेबल नंबर 7 पे दिखाते हैं। ये जो हमने एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर दिया टेबल नंबर 7 में। 7-5
7 minus 5, 2. 11 minus 5, 6. 5 minus 5, 0. और अगले में भी 5 minus 5, 0. यहां कुछ नहीं होगा क्योंकि अनकवर नहीं है ना बेटा. इसके बाद दोबारा से बता देते हैं, 7 minus 5, 2. 11 minus 5, 6. 5 minus 5, 0. ये अनकवर था. 9 minus 5, 4. 12 minus 5, 7. 13 minus 5, 8. ओके. और जंक्शंस पर ऐड करना था, तो जंक्शंस पर जब हमने ऐड करने की बात की थी, 13 में 5 ऐड किया 18, और 0 में 5 ऐड किया तो ये आ गया 5. इज इट क्लियर? यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हमने इसी टेबल को रिपीट, 7 में हमें एक जो एक्शन किया वो एक्शन हमने इसी टेबल में दिखा दिया आपको. कैसे हमने क्या किया, यहां पर अलॉटमेंट ऑफ वर्क भी करना है और फिर लाइन भी ड्रॉ कर दी हमने इसी टेबल में. हमने क्या किया, सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ वर्क करने के लिए ये देखिए, हमने अलॉटमेंट ऑफ वर्क करने के लिए हमने कुछ नहीं किया. यहां पर सबसे पहले उन रोज को आइडेंटिफाई किया उसी प्रक्रिया के मुताबिक जहां हमें सिंगल जीरो है. ए रो में 2 जीरो हैं, बी में 2 जीरो हैं, सी में 1 जीरो है और डी में भी 1 जीरो है. तो सबसे पहले आप वर्क अलॉट करेंगे सी रो में. ये आपने रो को अलॉट किया जॉब टू. डी रो में आपने जॉब नंबर 4 अलॉट किया. जैसे ही आपने डी रो में जॉब नंबर 4 अलॉट किया, आपने हाथ की हथी क्रॉस कर देना है ए रो के जॉब नंबर 4 को भी, क्योंकि अब ये अलॉट तो हो नहीं सकता. अब ए रो में केवल सिंगल रो रह गया, जीरो रह गया, तो हमने यहां पर इसे अलॉट कर दिया ए को, जॉब 3 अलॉट किया. जैसे ही हमने ए को जॉब 3 अलॉट किया, इमीडिएटली हमें दिखाई दिया कि बी जॉब 3 कॉलम में 1 जीरो और था बी रो में, हमने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि ये अब अलॉट नहीं हो सकता. इसके बाद हमारे पास बी रो में दिखाई दिया सिंगल रो रह गया है, सिंगल जीरो रह गया है, तो बी रो में सिंगल जीरो जॉब 1 में था तो यहाँ जॉब अलॉट कर दिया. इस तरह से हमें दिखाई दिया कि हमने ए को भी जॉब अलॉट कर दिया है, बी को भी जॉब अलॉट कर दिया है, सी को भी जॉब अलॉट कर दिया है और डी को भी जॉब अलॉट कर दिया है. तो एक बात तो हमें समझ में आई कि हमने वर्क अलॉट तो कर दिया, लेकिन इसकी ऑप्टिमिलिटी है या नहीं ये देखना पड़ेगा. अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से जिससे कि सारी लाइनें, सारे जीरो कवर हो जाएं. तो हमने लाइन ड्रॉ करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि पहले जहां ज्यादा जीरो हैं वहां देखिए, पहले ए कॉलम में, ए रो में सॉरी, लाइन ड्रॉ करी. उसके बाद हमने यहाँ इसमें जॉब 4 में ड्रॉ कर दी क्योंकि एक जीरो ये वाला बचा हुआ था, ये वाला. इसके बाद हमने इसमें भी बी में कर दी और फिर सी में कर दी. इस तरह 4 लाइन ड्रॉ हो गई हैं. मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का है, लाइंस भी 4 हैं. अब हम वर्क अलॉट हो चुका है, लाइन बराबर आ गई है, ऑप्टिमिलिटी आ गई है. अब हम कैलकुलेशन ऑफ टाइम कर लेते हैं. जॉब ए को हमने जॉब 3 दिया था जिसका टाइम क्वेश्चन में देखिए, पेरेंट क्वेश्चन में 17 मिनट्स था. जॉब बी को, मिस्टर बी को जॉब 1 दिया, ये वाला, और 13 मिनट्स लगा. मिस्टर सी को जॉब नंबर 2 दिया, वो हमने यहाँ लिख लिया और क्वेश्चन में लिखा हुआ 19 मिनट्स था क्वेश्चन में.
जॉब डी मिस्टर बी को जॉब डी दिया, जॉब नंबर चार दिया 10 मिनट्स का, 17, 13 प्लस 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 59 मिनट्स हमारे जॉब का आ गया। आपको ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है, आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमने अपना रोज बढ़ा दिए हैं, मैट्रिक्स बढ़ा दिया है, 5x5 का मैट्रिक्स ले लिया है। ए बी सी डी ई एम्प्लॉयज हैं, जॉब 1, 2, 3, 4, 5 है, 5x5 की मैट्रिक्स है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट आइटम ढूंढेंगे, 10, 5, 13, 15, 16 में स्मॉलेस्ट आइटम 5 है। बी रो में 3, 9, 18, 13, 6 में स्मॉलेस्ट आइटम 3 है। सी में 10, 7, 2, 2, 2 में स्मॉलेस्ट आइटम 2 है। डी में 7, 11, 9, 7, 12 में स्मॉलेस्ट आइटम 7 है। ई में 7, 9, 10, 4, 12 में स्मॉलेस्ट आइटम 4 है। और इस स्मॉलेस्ट आइटम को रो वाइज सबट्रैक्ट कर दिया, जैसा कि हमने पीछे भी किया, 10 माइनस 5, 5, 5 माइनस 5, 0, 13 माइनस 5, 8, 15 माइनस 5, 10 और 16 माइनस 5, 11। अब सेकेंड रो बी में आ जाइए, 3 माइनस 3, 0, 9 माइनस 3, 6, 18 माइनस 3, 15, 13 माइनस 3, 10, 6 माइनस 3, 3, थर्ड रो सी में आइए, 10 माइनस 2, 8, 7 माइनस 2, 5, 2 माइनस 2, 0, 2 माइनस 2, 0 एंड 2 माइनस 2, अगेन 0। डी रो में ये 7 माइनस 7, 0, 11 माइनस 4, 7, 4, 11 माइनस 7, 4, 9 माइनस 7, 2, 7 माइनस 7, 0, 12 माइनस 7, 5। एफ 7 माइनस 4, 3, 9 माइनस 4, 5, 10 माइनस 4, 6, 4 माइनस 4, 0, 12 माइनस 4, 8। इस तरह से हमने टेबल नंबर 2 बना लिया। अब वही प्रोसीजर है, अब इस टेबल नंबर 2 के अंदर कॉलम वाइज स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे कॉलम वाइज और उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए अगली टेबल 3 में और 4 में आ गया, 3 दिखा दिया, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम। अब हम यहाँ पर फिर से दोबारा से जॉब इस वाले कॉलम में, जॉब 1 के कॉलम में 5, 0, 8, 0, 3 में स्मॉलेस्ट 0 है, जॉब 2 में 0, 6, 5, 4, 5 में स्मॉलेस्ट 0 है, जॉब 3 में 8, 15, 0, 2, 6 में स्मॉलेस्ट 0 है, जॉब 4 में 10, 10, 0, 0 में स्मॉलेस्ट आइटम 0 है और जॉब 5 में 11, 3, 0, 5, 8 में स्मॉलेस्ट 0 है। अब इसको क्योंकि इसमें सभी 0 हैं तो एज इट इज हमने घटा के देखा तो वो 0 में से तो सेम ही रहेगा, इसलिए हमारी टेबल 4 की मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद हम टेबल 5 में हम एलोकेट करने की कोशिश करेंगे वर्क को, जैसे पहले करते आ रहे थे। हमने यहाँ पर देखा इसमें ए रो में सिंगल 0 है, हमने यहाँ जॉब 2 को अलॉट कर दिया। बी में जॉब 1 में 0 है, यहाँ अलॉट कर दिया। सी में 2 0 है, अभी अलॉट नहीं करेंगे, 3 0 है सॉरी। इसके बाद डी में 2 0 हैं और ई में भी 1 0 है, लेकिन हमने देखा कि बी में जॉब 1 को अलॉट किया था तो डी में भी 1 0 आ रहा है जिसे हमें क्रॉस करना होगा, तो हमने यहाँ पर इसे क्रॉस कर दिया। इससे पता लगा कि हमारे पास
बी रो में एक ही जीरो रह गया, इसको वर्क अलॉट किया, और जैसे हमने यहाँ वर्क अलॉट किया वैसे ही हमें दिखाई दिया कि जॉब फोर कॉलम में सी के पास भी एक जीरो है और ई के पास भी एक जीरो है, तो हमने सी रो के अंदर भी क्रॉस लगाया और ई रो में भी हमने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद हमने बचे हुए रो में ढूंढना है, सर्च करना है, देखा कि यहाँ पर सी रो में हमारे पास जॉब थ्री में भी जीरो है और जॉब फाइव में भी आ रहा है। हमने रैंडमली सी रो में हमने अलॉट कर दिया वर्क जॉब थ्री को। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि हमने देखा कि हमारे पास ना तो ई में कोई जॉब आया और जॉब नंबर पांच में भी कोई जॉब अलॉट नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखने में समझ में आया कि जॉब फाइव में भी किसी को अलॉट नहीं हुआ और मिस्टर एम्प्लॉय हमारा ई है उसको भी कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ। मैट्रिक्स 5x5 की थी, वर्क चार लोगों को अलॉट हुआ, तो लिहाजा हम ये मानेंगे कि ये ऑप्टिमल तो नहीं है सॉल्यूशंस। और चूंकि ऑप्टिमल नहीं है तो लिहाजा इसको आगे बढ़ाना होगा, उसी पैटर्न से बढ़ाना होगा जिस पैटर्न से हम बढ़ाते आ रहे थे। हमें टेबल सिक्स में देखिए, तो रो नंबर पांच ई जो है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये पांच नहीं है ई कहना चाहिए, रो ई पांचवी रो मतलब ई रो। अब हम यहाँ पर उसी पैटर्न से मार्किंग करेंगे जिस मार्क पैटर्न से सिखाई गई थी। सबसे पहले आपने उस रो को आइडेंटिफाई करना है जहाँ वर्क अलॉट नहीं हुआ, और मैंने ये नोटिस किया कि रो ई जो है वो अलॉट नहीं हुआ, मैंने इसे मार्क कर लिया और अकॉर्डिंगली यहाँ मार्क लगा दिया। इसमें जो वर्क अलॉट नहीं हुआ वो कॉलम था जॉब फोर का कॉलम, यहाँ मार्क लगाया और फिर अकॉर्डिंगली यहाँ भी मार्क लगा दिया। इसके बाद उस रो को आइडेंटिफाई किया इस कॉलम में जहां पर वर्क अलॉट हुआ, वर्क अलॉट हुआ डी को जॉब फोर में, इसलिए हमने यहाँ भी मार्क लगा दिया और ये रो भी मार्क रो कहला दी। तो इसका मतलब मार्क रो डी हो गई, मार्क रो ई हो गई, मार्क कॉलम जॉब फोर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो बची हुई अनमार्क्ड रो है और मार्क्ड कॉलम है वहां लाइन ड्रॉ करनी है। तो बची हुई जो कॉलम है अनमार्क्ड, अनमार्क रो कौन सी है, अनमार्क रो है ये ए वाली, बी वाली और सी वाली, और मार्क्ड अनमार्क कॉलम है, सॉरी मार्क्ड कॉलम है जॉब फोर का, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है, किसमें लाइन ड्रॉ करी है अनमार्क्ड रो में, ये तीन थी हमारे अनमार्क्ड रो, और मार्क्ड कॉलम में हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन कितनी है, एक दो तीन चार। अब हमने मार्क करने के बाद हमें ये देखना था स्टेप में अनकवर्ड, ने क्या बोला था अनकवर्ड, अनकवर्ड कौन सी है, अनकवर्ड है मेरे पास उनके एलिमेंट सर्च करने हैं, अनकवर्ड वाले हैं ये दो रो है मेरे पास, देखिए अनकवर्ड, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला है। तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, आप जीरो नहीं ध्यान ध्यान रखिए बार बार कभी गड़बड़ कर ले। तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें सेलेक्ट हुआ और पता लगा वो आया टू, देखिए ये वाला टू, तो इसका मतलब टू
इन सब में से जो अनकवर्ड है उसमें से घटेगा, ये जो अनकवर्ड है ये वाला इनमें से घटेगा, इनमें से सबट्रैक्ट कर देंगे और जंक्शन पर ऐड करेंगे। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, इस टू को हमें ऐड करना है इस वाले सेल को, जॉब टू के सेल को, इस वाले सेल में, जॉब फाइव के बी फाइव सेल में, ऐसे बोलते हैं, ई वन में, ई टू में, ई थ्री में और ई फाइव में क्या करना है, प्लस करना है। और इस जंक्शन कौन सा है, सॉरी माइनस करना है, इनमें से माइनस करना है बेटा, इस वाले को नहीं करेंगे, सॉरी जीरो में नहीं करेंगे, जीरो में से माइनस नहीं हो सकता, सॉरी बेटा। ये दोबारा से देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ आपको, हमने बोला कि अनकवर्ड कौन से हैं हमारे पास, ये जो अनकवर्ड हैं, आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, ये जो अनकवर्ड वाले हैं इनमें ये स्मॉलेस्ट आइटम था टू, इस टू को सबट्रैक्ट करना है, तो फोर में से माइनस करेंगे, टू में से माइनस करेंगे, फाइव में से माइनस करेंगे, थ्री में से माइनस करेंगे, फाइव में से माइनस टू करेंगे, सिक्स में से माइनस टू करेंगे, एट में से माइनस टू करेंगे। और ये जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन को मैं अलग रंग से दिखाता हूँ, ये जंक्शन पर ऐड करना है, ये जंक्शन तीन है, एक दो और ये तीन, इन जंक्शन पर ऐड करना है, टेन प्लस टू करना है, टेन प्लस टू करना है, जीरो प्लस टू करना है, तो इससे टेबल सेवन ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको टेबल सेवन दिखाता हूँ, देखिए ये टेबल सेवन आ गया। अब इस टेबल सेवन को मैं हमने आपको ये दिखाना है, मुझे यहां शो कर देता हूं मैं, आपने क्या किया, ये था ना अनकवर्ड वाला, ये फोर में प्लस माइनस टू किया, फोर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एलिमेंट टू था, तो फोर में से टू माइनस किया, ये देखिए टू आ गया, टू में से टू माइनस किया जीरो आ गया, फाइव में से टू माइनस किया थ्री आ गया, थ्री में से टू माइनस किया वन आ गया, फाइव में से टू माइनस किया थ्री आ गया, सिक्स में से टू माइनस किया फोर आ गया और एट में से टू माइनस किया सिक्स आ गया। ओके बेटा, और जंक्शन पर आपने ऐड करना था, तो वो जंक्शन कौन से थे, टेन था, टेन में टू प्लस किया ट्वेल्व आ गया, यहाँ टेन में टू प्लस किया ट्वेल्व आ गया और यहाँ जीरो में प्लस टू के जंक्शन पर तो टू आ गया, इस तरह से। और बाकी एलिमेंट एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, तो ये एक नया टेबल बन गया हमारा। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है, अलॉटमेंट ऑफ वर्क करना, सॉरी, अब हम अलॉटमेंट ऑफ वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से सारी ये हटा देते हैं, सब क्लियर कर देते हैं। जब आपने अलॉटमेंट ऑफ वर्क करना है तो इस बात को ध्यान में रखना है, उसी रूल को, कि सबसे पहले ये सर्च करना है, ए में एक ही जीरो है, मैंने वर्क अलॉट कर दिया, अभी इस कॉलम में कोई और जीरो नहीं है, बी में जॉब वन को अलॉट किया लेकिन देखा इस कॉलम में एक जीरो था, हमने उसे क्रॉस कर दिया ये वाला, जैसे ही इसे क्रॉस किया अभी यहाँ और जीरो भी हैं, सी में भी दो जीरो हैं, हम ई पर आ जाएंगे, ई में आते सारी हमने देखा एक ही जीरो है, हमने वर्क अलॉट किया लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जो में फोर में एक क्रॉस एक जीरो डी फोर में नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर भी इसे क्रॉस कर दिया। और जैसे ही इसे क्रॉस किया तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि डी के पास जॉब थ्री का ही वर्क रह गया, तो ये हमने इसे अलॉट कर दिया। और जैसे हमने यहाँ अलॉट किया वैसे ही जॉब फोर में एक जीरो नजर आया, सी थ्री में जो नजर आया ये जीरो, और इसे क्रॉस कर दिया हमने, तो हमारे पास पता लगा कि एक ही जीरो रह गया सी में, हमने यहाँ वर्क अलॉट किया, इसका मतलब हमारे पास सभी के पास वर्क भी है। पता लगा ए को, मैं एक बार दोबारा से, हमने ए को ये जॉब टू अलॉट किया, ये देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया,
बी को जॉब वन अलॉट किया, ये दिखा दिया हमने यहाँ पर। सी को जॉब नंबर पांच अलॉट किया, ये दिखा दिया। डी को जॉब नंबर थ्री अलॉट किया, ये हमने यहाँ शो किया है। ई को जॉब नंबर चार दिया, ये हमने शो किया। इनका पेरेंट क्वेश्चन से देख लिया, 5, 3, 2, 9, 4 का टोटल आ गया 23 मिनट्स। इस प्रकार से हमने कहा कि हमारा सॉल्यूशन आ गया है, अलॉट हो गया है। लाइन ड्रॉ करने का वही कवर करना है, लाइन ड्रॉ भी करके देखना है, चेक करना है। आशा आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 5x5 का मैट्रिक्स है। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस तरीके से हमने अभी करा था। 5x5 का मैट्रिक्स है, बैलेंस प्रॉब्लम है, चेक कर लिया। स्मॉलेस्ट एलिमेंट ए रो में 11, 17, 6, 16 और 20 में स्मॉलेस्ट 6 है। बी में 9, 7, 12, 5, 15 में स्मॉलेस्ट 5 है। सी में 3, 16, 15, 12, 16 में 3 है। डी में 1, 24, 17, 28, 26, 1 है। एफ में 14, 10, 12, 11, 15 में 10 है। इसका मतलब अब इसको सबट्रैक्ट करके हमने टेबल 2 डेवलप कर लिया। 11 minus 6, 5, 17 minus 6, 11, 6 minus 6, 0 और 16 minus 6, 10, 20 minus 6, 14। इस तरह से हमने टेबल पूरा फ्रेम कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हमने टेबल नंबर 3 बनाना है। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम सेलेक्ट कर लिया और स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करने से एक बात पता लगी कि 5, 4, 0, 0, 4 में स्मॉलेस्ट 0 आया। इस तरह से इस वाले में भी काफ़ी जॉब 1, 2, 3, 4 में स्मॉलेस्ट आइटम 0 थे और जॉब 5 में 14, 10, 13, 25, 5 में 5 थे। तो इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ किया और उसके बाद हमने टेबल नंबर 4 आ गया। टेबल 3 के स्मॉलेस्ट कॉलम वाइज ऑपरेशन करने के बाद इसके बाद हमारे पास टेबल नंबर 5 नज़र आता है सामने। टेबल नंबर 5 में क्या किया हमने, एलोकेट करने की कोशिश करी, उसी पैटर्न को यूज़ किया। जैसे कि ए को जॉब 1 दे दिया, जॉब 3 दे दिया क्योंकि ए की 0 है। बी को जॉब 4 दे दिया, सी को जॉब 1 दे दिया। और जैसे ही सी को जॉब 1 दिया, देखने में आया कि डी कॉलम में भी वर्क था तो इसे क्रॉस कर दिया हमने। और ई को हमने वर्क अलॉट किया जॉब 2 और साथ में क्रॉस दे दिया जॉब 5 को। तो अब हमारे पास फिर वही समस्या आती है कि उतने आदमी मिस्टर डी खाली बैठे हैं और जॉब नंबर 5 भी खाली है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। जॉब नंबर टेबल नंबर 6 दिखा रहा है आपको। यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चूंकि वर्क अलॉट ही नहीं हुआ तो सिलेक्शन करनी है और अब सिलेक्शन करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने अगले ही टेबल 6 में सारा वर्क कर दिया। हमें सिलेक्शन करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। सेलेक्शन करके हमने उसी पैटर्न से यूज़ करना है जिस पैटर्न से समझाया गया था। और आप यहाँ पर देखिए, हमने अलॉटमेंट ऑफ वर्क करने से पहले मार्क करने हैं। मार्क करने की प्रक्रिया वही थी, यहाँ पर ई मार्क किया गया और देखिए मैं पिछले वाले में दिखा देता हूँ। यहाँ हमने जो मार्क किया, देखिए टेबल 6 में दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने जो वर्क की अलॉट नहीं हुआ वो था ई को, तो ई रो में
यहाँ हमने देखा कि टेबल 5 में, देखिए आपको शो करता हूँ मैं, यहाँ पर जो वर्क अलॉट नहीं हुआ था वो ई को अलॉट नहीं हुआ था, कि मेरी मार्क ड्रॉ हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, नहीं सॉरी, ये वर्क तो अलॉट हुआ है, डी को नहीं अलॉट हुआ, डी वाले में नहीं हुआ तो डी हमने मार्क कर ली। इसे वर्क अलॉट नहीं हुआ जॉब 1 वाले कॉलम में, इस वाले को मार्क कॉलम बोल दिया गया। इसके बाद इसमें जो वर्क अलॉट हुआ सी रो में, इस वाली को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से हमने सिलेक्शन कर ली, मार्क्ड हो गई। हमें अब लाइन ड्रॉ करनी थी, तो अब हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझने की चीज है। अब हमारे पास, मैंने बताया था, अनमार्क्ड रो है ये वाली, अनमार्क्ड रो दूसरी ये वाली, और अनमार्क रो ये वाली जो टेबल 6 में दिखाया गया है, और एक मार्क कॉलम को दिखाया गया है जॉब 1 में जो टेबल 6 में दिखाया गया। इस तरह से हमने कवर किया। अनकवर्ड वाला स्मॉलेस्ट आइटम हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद अनकवर्ड वाला स्मॉलेस्ट आइटम देखिए हमने सेलेक्ट किया, स्मॉलेस्ट आइटम आया ये देखिए 8। इस 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, किन किन में से करना है, इस ये जो मैं आपको ग्रीन कलर का बॉक्स, नहीं ब्लू कलर का बॉक्स बना के दिखाता हूँ, ये इनमें से माइनस करना है। और प्लस कहाँ का करना है आपको, इस जंक्शन पे प्लस करना है, इस जंक्शन पर प्लस करना है, और इस जंक्शन पर प्लस करना है। इससे एक नई टेबल डेवलप हो गई, और वो टेबल 6 है हमारी। क्लियर? अब हम टेबल 6 में दोबारा से ट्राई करेंगे। हमने सब करने के बाद एक्शन, हमें अलॉटमेंट ऑफ वर्क करना है। ए में सिंगल 0 है, जॉब 3 को अलॉट कर दिया। बी में जॉब 4 के पास सिंगल 0 है, अलॉट कर दिया। सी में 2 0 है, बाद में देखेंगे। डी में बाद में देखेंगे, और ई में बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर भी यही वो सेम प्रॉब्लम नजर आ रही है कि वर्क ही अलॉट नहीं हो रहा है। और जब वर्क अलॉट नहीं हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम आगे बढ़ गई है। इस क्वेश्चन में जो समझाने का उद्देश्य था वो यही था कि आप देखिए टेबल 6 और 7 को दिखाना है मुझे, मार्क करके दिखाता हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पर आपने ए को अलॉट किया, बी को जॉब 4 अलॉट किया, सी को रेंडमली जॉब 1 अलॉट किया, और आपने देखा कि यहाँ तो वर्क ही अलॉट नहीं हुआ, डी को भी नहीं हुआ, ई को भी नहीं, ई को हो गया सॉरी, ई को अलॉट हो गया, डी को अलॉट नहीं हुआ, जॉब नंबर 5 भी अलॉट नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम दोबारा आ गई है, तो फिर उसी प्रक्रिया को दोबारा से आगे बढ़ाना है हमें। प्रक्रिया वही है जैसे बताया था कि जहां वर्क अलॉट नहीं हुआ हमें उस रो को सेलेक्ट कर लेना है जो टेबल 7 में सिलेक्शन प्रोसीजर को दिखाया गया है। यहां पर हम दोबारा से करके दिखा देते हैं आपको। देखिए डी को अलॉट नहीं किया था तो डी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए सिलेक्शन दिखाया। इसमें कॉलम में जो नो वर्क था वो कॉलम ये था, ये हमने यहाँ शो किया। इसमें जो वर्क अलॉट था सी को था वो हमने यहाँ अलॉट किया, ये मार्क कर लिए। इसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने लाइन कहाँ कहाँ ड्रॉ करी, अनमार्क्ड रो है ए, अनमार्क्ड रो है बी, मार्क्ड कॉलम है जॉब 1 का। तो हमने ये अलॉट कर मार्क करने के बाद अनकवर्ड वाले ढूंढते हैं। अनकवर्ड कौन सा है, अनकवर्ड आया हमारे पास ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको।
ये जो मैं गोला खींच रहा हूं ये अनकवर्ड है। इस अनकवर्ड में, अनकवर्ड ये है बेटा, ये इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है बताएंगे? इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? जीरो। तो जीरो को माइनस करें प्लस करें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जीरो को माइनस करें प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोबारा से हम अलॉट करने की कोशिश करते हैं। तो इसने बोला था, यही तो बोला है कि इसका मतलब यहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, अगली टेबल नंबर 7 में जाते हैं, फिर दोबारा से वी आर ट्राइंग टू अलॉट द वर्क। हमने क्या किया, ये ए रो में जॉब 3 अलॉट किया, बी को हमने जॉब 4 अलॉट किया और सी को हमने यहां अलॉट नहीं किया। देखिए पहले हमने ये वाला अलॉट किया था ना, अब यहां पर हमने जॉब 5 अलॉट किया। और जैसे ही जॉब 5 अलॉट किया तो सी को जॉब 1 नहीं मिलेगा, उससे क्या हुआ, बी को जॉब 1 अलॉट कर दिया और ई को जॉब 2 अलॉट कर दिया। तो आप देखिए, और ये वाला जो वर्क है जो ई के पास था, ये जॉब 5 क्रॉस कर दिया। अब आप देखिए, आपको सारे जॉब हो गए, ए को भी जॉब मिल गया, बी को ये वाला जॉब मिल गया मार्क कर रहे हैं, सी को जॉब 5 मिल गया, डी को जॉब 1 मिल गया और ई को जॉब 2 मिल गया। सबको, पांच लोग, पांचों को जॉब मिल गया। इसलिए अब इसके बाद हम इसका निकालेंगे कि ए को जॉब 3 मिला, बी को जॉब 4 मिला, सी को जॉब 5 मिला, डी को जॉब 1 मिला, ई को जॉब 2 मिला। इनके आगे क्वेश्चन में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ले लिया और इनका टोटल लगा लिया। इस तरह से हमें पता लग गया कि 38 मिनट्स हमारा जो है टोटल टाइम आ गया। आशा है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।